हाय दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने पास यहाँ पे है ETA प्रोटोन और दोस्तों अपने पास ETA ड्रोन भी है, तो अभी उसको हम साथ में देखने वाले हैं और देखने वाले दोनों क्या डिफरेंस होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ETA प्रोटोन का। तो फाइनली आप देख सकते हो जो बॉक्स का लुक है, कुछ इसकी क्या बॉक्स का लुक है, यहाँ पे ब्लैक कलर के बॉक्स में ये आता है और यहाँ पे जो ड्रोन का मेन हाईलाइट फीचर आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे और यहाँ पे नीचे साइड में मेंशन किया हुआ है, तो आप इस यहाँ पे इसको पढ़ के देख के समझ सकते हो कि हमें ड्रोन में क्या क्या फीचर देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना कोई देरी के इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं मेन ड्रोन कैसा है, कैसा फ्लाई हो रहा है, कैमरा क्वालिटी कैसा है। और गाइस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको अपने फोन के साथ में कैसे इसको फ्लाई करना है, कैसे आपको अपने फोन के साथ में कनेक्ट करना है वाईफाई के थ्रू। इसमें हमें वाईफाई भी मिलता है और HD कैमरा भी मिलता है ताकि आप फोन में लाइव वीडियोस अपने फोन में देख सकते हैं इस ड्रोन का, ठीक है। तो चलिए आप इसको ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं यहाँ पे मिल जाता है हमें एक ब्लैक कलर का कैरी बैग। कैरी बैग का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, इतने कम प्राइस में हमें ड्रोन मिला और ड्रोन के सामने कैरी बैग बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम अपने ड्रोन को कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कैरी बैग को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं अपना ड्रोन। तो दोस्तों ये रहा अपना मेन ड्रोन, जिसमें यहाँ पे रहा ड्रोन ट्रांसमीटर, यहाँ पे हमें एक पाउच मिल जाता है, पाउच के अंदर में हमें मिल जाता है हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर और प्रोपेलर गार्ड, USB केबल बैटरी को चार्ज करने के लिए, एक यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर और हमें मिल जाता है एक मैनुअल गाइड। इस मैनुअल गाइड को पढ़ के बहुत इजीली हम अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। जो भी इसमें की दिए हुए अपने ट्रांसमीटर में फुल इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ के बहुत इजीली अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये रहा मेन अपना मेन ड्रोन और ड्रोन का जो वेट है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। ड्रोन देख सकते हो बहुत ही कम प्राइस में ड्रोन मिला और यहाँ ड्रोन का जो वेट है तो दोस्तों बहुत ही कम वेट है इसका। तो चलिए वेट थोड़ा चेक कर लेते हैं कितना इसका वेट है, फाइनल इसको कर लेते हैं ऑन और यहाँ पे आप देख सकते हो वेट। तो फाइनल तो दोस्तों इस ड्रोन में बैटरी इसमें लगा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हो जो ड्रोन का वेट है 97 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने ड्रोन को हम बहुत इजीली अनफोल्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हो बहुत इसको हम यहाँ पे अनफोल्ड फोल्ड और अनफोल्ड बहुत इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो अपना ड्रोन यहाँ पे अनफोल्ड हो चुका है, यहाँ पे ड्रोन के ऊपर मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पावर की इसको होल्ड करने पे यहाँ पे जो अपना ड्रोन यहाँ पे ऑन हो जाता है, ऑन होती है यहाँ पे कुछ जो LED यहाँ पे ब्लिंक्स कर रहे हैं आप देख सकते हो, इसको फिर होल्ड करने पे यहाँ पे जो LED यहाँ पे बंद हो जाती है। हमें बैक साइड कुछ LED मिल जाता है, यहाँ पे ऊपर साइड कुछ यहाँ पे LED देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट साइड मिल जाता है यहाँ पे 2 LED और यहाँ पे नीचे मिल जाता है हमें HD कैमरा। HD कैमरा को आप अपने हाथ ही एडजस्ट कर सकते हो, आपको जिस एंगल से वीडियोस और फोटोज को लेना है आपको यहाँ पे इस कैमरा को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उस एंगल पे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा और फिर आप अपने फोटोज और वीडियोज को बहुत इजिली रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपने फोन में। अभी आपको आगे बताने वाला हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है अपने फोन को अपने ड्रोन के साथ में, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मिल जाता है हमें एक ऑप्टिकल सेंसर, इस ऑप्टिकल सेंसर की वजह से जो अपना ड्रोन है वो टकराएगा नहीं, अगर हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहा है और ड्रोन नीचे कुछ भी आ जाता है तो अपना जो ड्रोन है वो क्रैश नहीं होगा इजीली, ये थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो और कैसे मिल जाता है हमें बैटरी बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैटरी को हम निकाल सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बस ये बैटरी ही 1800 mAh का बैटरी है, ये बैटरी जो है आपको 2 घंटे चार्ज करना पड़ेगा और इसमें हमें यहाँ पे LED मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी को अगर आप चार्ज लगाते हो तो यहाँ पे एक रेड कलर का LED यहाँ पे ग्लो होता है और फुल चार्ज होने के बाद जो यहाँ पे LED ये बंद हो जाता है, मतलब कि ऑटोमेटिक ये चार्जिंग होना बंद हो जाता है, आपका जो बैटरी थोड़ा सा सेफ रहेगा वो खराब नहीं होगा। अगर आप अपने बैटरी को लगा के छोड़ देते हो और फुल चार्ज हो जाता है तो आपका जो बैटरी यहाँ पे वो चार्जिंग होना बंद हो जाएगा फुल चार्जिंग होने के बाद में। और दोस्तों ये फुल चार्ज होने के बाद में आपका जो ड्रोन है वो 10 मिनट तक बहुत इजीली फ्लाई होगा। और दोस्तों जो ड्रोन का कनेक्टिविटी रेंज है हमें इसमें 150 मीटर रेंज मिल जाता है, आपका जो ड्रोन है वो 150 मीटर के अंदर आप अपने ड्रोन को बहुत इजीली फ्लाई कर सकते हो। और बस ये रहा अपना ट्रांसमीटर के ऊपर हमें मिल जाता है फोल्ड और अंटेना, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंटेना को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और बस जो इसमें की दिए हुए हैं आप यहाँ पे मैनुअल गाइड को पढ़ के इसमें जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये मैनुअल गाइड है आप इसको पढ़ के बहुत इजीली समझ सकते हो कि आपको किस तरीके से इस इनकी को यूज करना है अपने ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, ठीक है। और वैसे यहाँ पे मिल जाता है देख सकते हो बैटरी बॉक्स के डबल साइज बैटरी लगती है 3 पीस, अब इसमें लगा के बहुत इसमें पावर दे सकते हो। और वैसे यहाँ पे मिल जाता है हमें फोन होल्डर, तो यहाँ पे आप इसमें फोन को लगा के बहुत इजीली आप अपने जो ड्रोन का लाइव फुटेज है इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो बस ये रहा अपना यहाँ पे ETA ड्रोन, अभी तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ फिर देखते हैं इसका दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बस ये रहा अपने यहाँ पे ETA ड्रोन देख सकते हो, इसमें अनफोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे जब ना यहाँ पे ये ड्रोन है अनफोल्ड हो चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि दोनों क्या डिफरेंस होने वाला है। तो बस ये वाला EAT ड्रोन है, यहाँ पे जो ये ड्रोन है ये EAT प्रो है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे फिनिशिंग में आप थोड़ा सा डिफरेंस हमें लग रहा है और थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं लग रहा। थोड़ा सा ऐप में चेंजेस किया गया है, जिसमें इसमें दूसरा ऐप वर्क करता है, इसमें दूसरा ऐप वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए सब देख लेते हैं कि कैसे अपना जो प्रोपेलर गार्ड है कैसे यहाँ पे इसमें इंस्टॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से इसमें लगाना है, इसमें यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लगा के इसमें थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप हम देख सकते हो यहाँ पे प्रोपेलर गार्ड इसमें लग चुका है। तो हम सिंपली तो चार्ज, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपने ड्रोन को और फोन को आपस में कैसे कनेक्ट करना है और फोन के थ्रू अपने ड्रोन को कैसे बहुत जल्दी फ्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो अपने ड्रोन के साथ में एक मैनुअल गाइड मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ यहाँ पे QR कोड दिए हुए, तो आप इन QR कोड को भी स्कैन करके बहुत इजिली जो ऐप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे QR कोड दिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऐप का नेम है, यहाँ पे ऐप का नेम भी शो हो रहा है। अगर आपकी मैनुअल गाइड में ऐप का नेम नहीं दिख रहा है तो आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको सिंपली आपको आ जाना है अपने गूगल में, फोन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप सिंपली आपको कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे QR कोड है आपको सिंपली यहाँ पे स्कैन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे अपना ऐप है, ऐप आ चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे iOS ऐप के लिए है, एंड्रॉइड के लिए है, एंड्रॉइड चाइनीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्लिक करना है एंड्रॉइड गूगल पे। आप जैसे आप एंड्रॉइड गूगल पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऐप यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली मैंने पहले इस ऐप को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे जो ऐप है यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ से यहाँ पे ओपन होने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे जो अपना ये ड्रोन है आपको सिंपली यहाँ इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है अपने यहाँ पे वाईफाई पे। वाईफाई को अपना कुछ इस तरीके से होल्ड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे अपने जो ड्रोन है यहाँ पे इसको आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद में आप जो यहाँ पर ड्रोन का नेम है आप सिंपली आ चुका है। तो सिंपली कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपना ड्रोन यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है अपने वाईफाई से। तो सिंपली यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो जो अपने ड्रोन का लाइव फुटेज आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइव फुटेज यहाँ पे देख सकते हो सिंपली दिख रहा है अपने ड्रोन में। यहाँ पे थोड़ा सा भी लैगिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजिली यहाँ पे बहुत ही स्मूथ जो है कैमरा क्वालिटी यहाँ पे दिख रहा है। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है, इतने कम प्राइस में ड्रोन का जो कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ड्रोन को घुमा के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा क्वालिटी गाइस ठीक है, इतनी कम प्राइस में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा भी इसमें लैकिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्मूथ यहाँ पे वीडियो क्वालिटी यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक लोगो मिलता है यहाँ पे एयरप्लेन का। जैसे हमें क्लिक करते हो आप देखते हो यहाँ पे LED ब्लिंक कर रहा था ड्रोन का, यहाँ पे LED ब्लिंक करना बंद कर दिया। ठीक है, तो मतलब जो ड्रोन यहाँ पे फ्लाई करने के लिए रेडी। तो दोस्तों यहाँ पे जो जॉयस्टिक दिए हैं आप इन जॉयस्टिक की मदद से जो अपने ड्रोन को फ्लाई बहुत इजी यहाँ पे फ्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मिलता है हमें 1K टेक ऑफ। जैसे मैं यहाँ पे मैं इसे प्रेस करता हूँ यहाँ पे जो अपना ड्रोन यहाँ पे 1K टेक ऑफ हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे रखेंगे पकड़ के। ठीक है, तो आप देख सकते यहाँ पे ड्रोन यहाँ देख लो यहाँ पे ये यहाँ पे ऑन हो चुका है, 1K टेक ऑफ हो चुका है। जैसे इसमें से प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिंपली यहाँ पे 1K टेक ऑफ हो चुका है। और बस यहाँ पे आप देखते हो इसमें फोटोज वीडियोज देख सकते हो सिंपली। तो आप इसमें यहाँ पे अपने कैमरा का जो क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा आप। ठीक है, अभी कुछ अलग सेटिंग्स दिए गए हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग्स में कर सकते हो। फिर आप फिल्टर दिए हुए कैमरा का, तो आप इस फिल्टर को यूज करके थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी जो है पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं तो आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो सेटिंग्स को। यहाँ पे आप इसमें कुछ यहाँ पे सॉन्ग्स भी दिए हुए हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हो इसमें अपने वीडियोस में, जब वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे अपने यहाँ पे ड्रोन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप इस ड्रोन को फ्लाई करके चेक कर लेते हैं ड्रोन कैसा फ्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रोन कैसा फ्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा सा भी कट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो कोई ड्रोन का फ्लाइंग कैसा रहा, कैसा फ्लाई हो रहा है। तो दोस्तों ये कोई ड्रोन नहीं है, एक टॉय ड्रोन है ये, और ये बहुत ही सस्ता में मिला, 1500 रुपये का ड्रोन ये मिला है। अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, इसमें हमें वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाता है, हम इसको अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइव फुटेज 150 मीटर तक इसका लाइव फुटेज हम देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी भी ठीक है, इतने कम प्राइस में ड्रोन मिला 1500 रुपये में, और जिसका फ्लाइंग टाइम है वो 10 मिनट तक फ्लाई होता है। आपको बैटरी को 2 घंटा चार्ज करना पड़ता है और ये 10 मिनट तक बहुत जल्दी फ्लाई होता है। तो कैसे छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे इसको फ्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा छोटे नहीं और नॉर्मल बच्चे इसको फ्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए ड्रोन के साथ में। तब तक हम हमारे पुराने वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा जीवन बदला।
है आई है।